हेलो बिल्कुल जी मेरे फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंडिया चैनल। तो आज आपके सामने फिर से मैं आपका जो केमिस्ट्री सॉरी इंग्लिश का है, स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट डे लेकर आ गया हूँ, जो कि आपका 38 डेज है, मतलब 38वां दिन है। 38वें दिन में मैं आज आपका फिर से प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वीडियो है। प्रीपोजिशन मैंने बोला था बहुत सारे पार्ट में चलेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत होते हैं और सभी प्रीपोजिशन को एक वीडियो में दो वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग पार्ट में बनाता हूँ, दो या तीन प्रीपोजिशन एक वीडियो में लेकर चलता हूँ। तो आज इसमें केवल मैं दो प्रीपोजिशन लेकर चला हूँ, बाई और विद, बहुत ही प्रयोग होने वाला बाई और विद, और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होते हैं, कहीं पर विद कहीं पर बाई लगता है तो आपको बहुत कन्फ्यूजन बन जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम दूर करेंगे। साथ ही मैंने एग्जांपल लिख दिया है, उसके रूल भी जो कुछ भी हैं मैं सामने अभी आपके सामने लेक्चर दूंगा और उसको मैं ट्रांसलेट भी करूँगा और सारी चीज़ें कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा, कहाँ यूज़ करना है। अगर आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते तो हमारे चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले आप टेंस को देखिए, उसके बाद ग्रामर इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ग्रामर की टोटल आप तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच को ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको 38 क्लास आज चल रही है, पिछली सभी क्लासों को ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ टेंस की फ्री बैच चल रही है, उसमें टेंस को हम बताते हैं, तीन इंग्लिश की क्लास हैं उसको चेक कर सकते हैं, चाहे जिस क्लास के हों। बाकी अपने क्लास की प्लेलिस्ट अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी हमारे चैनल पर है। तो चलिए हम बताते हैं, सबसे पहले विद है, वो सॉरी बाई है। बाई में हम देखिए क्या कहते हैं, बाई में आपको है द्वारा से तक बगल में। बाई अगर यूज कहीं पर करते हैं तो आपको से होगा यूज, क्या होगा से। तो से कैसे होगा, द्वारा होता है ठीक है, द्वारा होगा और तक होगा बगल में होगा ठीक है। यहाँ से हो गया द्वारा कब होता है, जिसके कोई कभी कभी क्या बोलाता है, मुझे उसके द्वारा रोका गया, मैं उसके द्वारा यहाँ गया, वह उसके द्वारा ऐसा हुआ, और मतलब जहाँ शब्द यूज हो जाए द्वारा के द्वारा यूज हो जाता है तब हम बाई के यूज कर लेंगे, बहुत ही एकदम सिंपल यूजेज है। उसके बाद हमारा यूज है से में आपको कहाँ से कैसे यूज करना है, से में यूज करना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है आपका कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ आए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं से के रूप में कि आपका कोई इसमें वाहन से हो, क्या इसमें आपका वाहन से हो, कोई वाहन से हो, तब आपको से जब यूज हो, कोई वाहन से हो, कोई यातायात साधन हो, कोई वाहन हो, उसके बाद हमारा से लगा हो। जैसे मैं कार से जा रहा हूँ, वह रेलगाड़ी से आ रहा है, वह रेलगाड़ी से जाएगा, वह स्कूटर से मतलब गया, वह आपका कुछ भी हो, जब वाहन से हो जाता है साधनों से हो तब हम से का यूज है। तो भी आपका फॉर्म में भी होता था, लेकिन से का यूज जब साधनों के रूप में होगा, जब हमारा कोई किसी वाहन के रूप में होगा तब हम क्या करेंगे, हम वाई लगाएंगे। और इसके साथ साथ हमें क्या यूजेज करना है, हमारा है तक है, तक आपका यूज करना है जब कभी भी यूजेज आता है, जैसे कि तब आपका होता तक होता है क्या कि हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक आपको ऐसा है, तक शब्द आपका आता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका समय में आपका होता है इतना बजे तक और इतना तक, तक शब्द यूज हो एकदम सिंपल है, तक आपका होता है और तक शब्द आपका यूज होता है तब समय के साथ ये यूज करना है, केवल समय के साथ। तक कहाँ यूज करना है, समय के साथ, मैं सभी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, तक आपका यूज करना है समय के साथ ठीक है। तक को यूज करेंगे समय के साथ, द्वारा यूज करेंगे, द्वारा हमें यूज करना है कहीं पर भी हो, और से यूज करना है वाहन के साथ, बगल में आपका यूज करना है, बगल में आपका किसी के लिए या किसी के लिए आपका बगल में यूज करना है, जैसे आपका हो गया कि मेरे बगल में, देखिए बगल के लिए आपका बिसाइड भी यूज करते हैं, आपको बिसाइड यूज करते हैं, पता होगा कि आपको बिसाइड भी यूज करते हैं बगल के लिए, यहाँ पर बहुत सारे हमें अनुवाद लिखे हैं तो आपको पता हो जाएगा, आपका हो जाता है बगल के लिए, एडजेसेंट भी हो जाता है ठीक है, ये हो जाता है, बिसाइड हो जाता है, आपको पता है नेक्स्ट टू हो जाता है, मतलब तीन चार चीज़ें होती हैं बगल के लिए। तो बगल का हम शब्द यहाँ पर यूज कर रहे हैं केवल बाई, बाई यूज करेंगे कि मेरे बगल में खड़ा है, वो उसके बगल में है, तो बगल के लिए यूज, ये हो गया आपका। चलते हैं ट्रांसलेशन, जैसे मुझे रमेश के द्वारा रोका गया, मुझे रमेश के द्वारा रोका गया, रमेश के द्वारा रोका गया, तो हम क्या करेंगे इसको ट्रांसलेट अगर करेंगे कि मुझे रमेश के द्वारा रोका गया तो क्या होगा, आई वाज स्टॉपेड
आई वॉज स्टॉप्ड बाई रमेश, बाई रमेश। देखिए रमेश के द्वारा, तो क्या द्वारा का अंग्रेजी पहले लिखेंगे फिर में कैसे ट्रांसलेशन करना है, ये रूल ऑफ ट्रांसलेशन कर रही है, सीख लीजिए। मैंने बस से यात्रा की, मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड, आई ट्रेवल्ड बाई बस, बाई बस, ठीक है, आई ट्रेवल्ड बाई बस, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका है उसे अपने पापा द्वारा भेजा गया, द्वारा भेजा गया या भेजा जा सकता है, तो उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ही कैन, ही कैन मतलब उसे भेजा जाता, ही कैन बी सेंट, ही कैन बी सेंट आपका, ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, बाई हिज फादर। उसके बाद जहाँ है वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, द्वारा के लिए आपको यूज कर लिए, अब हम यूज कर रहे हैं से के लिए, कोई वाहन हो तो हमारा फ्लाइट है, तो वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, तो ही वाज क्या हो जाएगा, ही इज हो जाएगा क्योंकि है यहाँ पर है, ही इज कमिंग बाई नून, फ्लाइट फ्लाइट। उसके बाद आपका है यहाँ पर मैं 4 बजे तक निकल जाऊँगा, मैं 4 बजे तक, समय के साथ आपका तक हो, तक किसके साथ हो, समय के तक, इतना टाइम तक, उतना टाइम तक मैं निकल जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, तमाम चीज़ें हैं तक जब समय के साथ यूज हो तब हम यूज करते हैं। मैं चार बजे तक निकल जाऊंगा आई विल लीव बाई फोर ओ क्लॉक, ये हो गया। उसके बाद हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे, हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे तो वी विल फिनिश बाई मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया आपका। वाई का यूजेस हो गया, मैं उसके बगल में खड़ा था, इसका करते हैं मैं उसके बगल में खड़ा था तो आई वाज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल, आई वाज तो बाई हिम उसके बगल में खड़ा था, तो मैं सब, मैं उसके बगल में के लिए मैंने यूज कर लिया। अब यूज करना है विद का प्रयोग, किसका प्रयोग, विद का, तो विद का यूज भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिससे यहाँ पर आपको पता है विद का यूज कैसे होता है, तो विद का यूज होता है आपका, आपका है साथ में, किसी कारण मतलब किसी के साथ, निश्चित समय के लिए, किसी के साथ आपका निश्चित समय के लिए, ये सभी चीज़ें जो हैं आपका यूज होंगी। और मे पर छोटी जगह के साथ, मे पर हो और छोटी जगह के साथ हो, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, ये भी किसी चीज़ का प्रयोग करके, मतलब किसी वस्तु का, किसी यंत्र का प्रयोग करके हम कोई चीज़ करेंगे तब हम विद का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर से का शब्द का यूज हो, और उसके साथ साथ निश्चित समय जब हो तब यूज करेंगे, उसके साथ मे हो और पर हो, से राजस्थान में है
कोई चीज़ ऐसा हो जो छोटे स्थान को डिनोट करे, छोटे स्थान को जो प्रयोग करे, में और पर छोटी चीज़ों को, छोटे स्थान को, छोटे से एरिया को अगर वो बताता है तो में और पर हो तब हम लगाएंगे आपका विद, और उसके साथ साथ चाहे आपका साथ अकेला हो या किसी के साथ हो, साथ अकेला हो तब और किसी के साथ हो तब, तब हम यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे विद का प्रयोग। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए मैंने चाकू से केक काटा, तो ये है आपका यहाँ वाला चाकू से। देखिए यहाँ पर किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, तो इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आई कट, आई कट द केक विद ए नाइफ, ये हो गया। उसके बाद है उसने नीले पेन से पत्र लिखा, उसने नीले पेन से एक पत्र लिखा, तो क्या होगा, ही रोट, अब ही रोट द लेटर, ही रोट द लेटर विद ए ब्लू पेन। ये इसका हो गया, हम आपके साथ रहेंगे। देखिए साथ हो या किसी के साथ हो, साथ हो या किसी के साथ हो, दोनों के रूप में हम विद का प्रयोग करेंगे। तो हम आपके साथ रहेंगे, तो हो गया वी विद यू। इस मामले में हम राम के साथ हों, ठीक है, इस मामले में मैं राम के साथ हूँ, तो इस मामले में आई एम विद राम, मैं राम के साथ हूँ कब, इस मामले में अब के साथ के लिए यूज किया, मैंने के साथ के लिए यूज किया, ठीक है, तो ये यूज किया। अब उसके बाद दिस मैटर, ये हो गया, मैं दो बजे पैदा हुआ, निश्चित समय के लिए, जब 2 बजे हो, 10 बजे हो, 4, उसके लिए, तो ये आपका था, मैं लिखा था पहले, फिर एक बार मैं लिखने पे उसको भूल गया, तो ऐड का प्रयोग था, वही मैंने सोचा कि विद का प्रयोग तो आपका यहाँ तक था, ये इतना विद का था। ऐड का प्रयोग जो होता है छोटे से स्थानों के लिए होता है, कोई छोटी जगह हो तो उसके स्थानों के लिए होता है, तो यहाँ पर छोटे स्थान, जैसे मैं एक होटल में रुका, तो आपका यहाँ आई स्टेट ए होटल एट ए होटल, फिर है वो बस स्टॉप पर खड़ा था, तो ही वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। राहुल एक स्टोर में काम करता है या पर काम करता है, इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ये था ऐड का प्रयोग। ऐड का प्रयोग और बड़ा है, मैं दूसरी वीडियो में ऐड का प्रयोग फिर से बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे यूजेज, मैंने सोचा कि दो यूजेज इसमें कर दूं, बाकी सारे यूजेज, 3-4 यूजेज अभी हो रहे हैं उसको मैं अगले में कर दूंगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ले लिया, ऐड का हो गया, विद का हो गया, बाई का प्रयोग और विद का प्रयोग आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने थोड़ा सा बीच में गलती से उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था और यहाँ पर प्रयोग मैंने कर दिया, तो आपको उसके लिए सॉरी, आपको क्या हुआ, मैं लिखा था यहाँ पर लेकिन भूल गया था। मैं 3 या 4 लेकर के चलता हूँ, 3 या 4 मैं यहाँ पर बनाता हूँ हर बार प्रीपोजिशन को, तो 3 या 4 इस बार भी है, तो आप इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी पिछली सारी क्लासेस देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या देखना है, वो सारी चेक कर। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, एक बार चेक करके वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको जरूर वीडियो मिलेगी मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, सी यू। इस गलती को माफ करना, एंड इसका चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ PDF इसका मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करिए और कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर पर चैट करिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके,